हाय गाइस, दिस इज़ नीरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टिप टॉप टॉप। जो मैं आज के मैच हैं पुरेरी पलटन और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में हैं, मैं उनको आपके सामने टीम को बताना चाहता हूं और आप इन टीम को लगाइए और ड्रीम इलेवन में काफ़ी अच्छे पैसे गेन कीजिए और काफ़ी अच्छी रैंकिंग पाइए। आप ये देखिए, मैं आपको बीच ये मैच दिखा रहा हूँ। टीम मैंने टीम पहले से ही बना रखी है क्योंकि समय हमारा बचे और मैं आपको पहली टीम दिखाता हूँ। मैं आज आपको दो टीमें दिखाऊंगा, इसमें आप दो टीमें दिखाऊंगा जो हमारी जो पहली टीमें हैं आप देख सकते हैं। इसमें गिरीश हैं, जो हमारी टीम है इसमें गिरीश हैं और ये सचिन हैं, रवि हैं, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में इसमें चल रहे हैं। और ये इनको लेने का मकसद ये है कि ये दोनों कॉर्नर पे सब खेलते हैं और कॉर्नर पे ही ज़्यादा रीडर को ये लोग डैश कर पाते हैं या इन्हें पकड़ पाते हैं, सिंपली कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, इसी चारों को मैं लेकर टीम को बनाया। और मैंने टीम में फिर ऑलराउंडर मैंने संदीप नरवाल को नहीं रखा है, नमोनू को भी नहीं रखा है। कुलदीप ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी हैं और इनका पॉइंट भी कम है, इसलिए टीम बनाने में थोड़ा आसानी होगी। आप इनको मोरे को भी ले सकते हैं, ये भी ठीक हैं, बशर्ते आपने एक ऑलराउंडर को लेकर रखना है। आप अगर आप चाहें तो पॉइंट आप इनको भी ले सकते हैं मैनेज करके, बस आप ये ज़्यादा फिट हैं, आप इनको लीजिए। इसके बाद मैं आपको रेडर के बारे में बताऊँगा। रेडर में आप पूछना ये क्या है, ये आपके हैं नितिन तोमर और मोनू गोयल, जो काफ़ी मोनू गोयल इस साल के सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। मोनू गोयल हैं, नितिन तोमर हैं, ये काफ़ी अच्छे रीडर हैं जो अपने टीम के मेन रीडर हैं। आप सहायक रीडर में इनको विकास खंडोला को भी ले सकते हैं या आप सीबी मोर को भी ले सकते हैं, दीपक कुमार दहिया को भी, काफ़ी अच्छे अच्छे रीडर हैं। बाकी आप दो ही रीडर ले खेलिए, मेरी सलाह यही रहेगी। आप ये दोनों रीडर काफ़ी फिट हैं और मैच में खेलेंगे। मोनू गोयल पिछले दो मैचों में नहीं खेले थे, बाकी अब ये खेलेंगे, ये फिट हैं। इतनी उम्र का तो ठीक ही है। और ये आपके सामने जो टीम है, यही समय मैं आपको फिर नेक्स्ट मैं आपको एक कैप्टन वाइस कैप्टन, आप कैप्टन में नितिन तोमर को ही रखिए या इसको रखिए मोनू गोयल को रखिए, यही दोनों, या फिर इसको आप यहाँ पे इनको गिरीश चंद को भी रख सकते हैं, गिरीश को भी रख सकते हैं। गिरीश भी काफ़ी अच्छे जो खेलते हैं लेफ्ट कॉर्नर्स खेलते हैं, ये काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। बाकी हमने यही सलाह रहेगी कि आप नितिन तोमर को बनाइए या मोनू गोयल को, इसी में से आप वाइस कैप्टन को चुन लीजिए, ये आपकी टीम से। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली डेली वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ और आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर बेल आइकन को आप हिट किए रहेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारे वीडियो को देखकर टीम बना लेंगे और अपने काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेंगे। इसमें देखिए कि मैं दो डिफेंडर यहाँ से रखा हूँ, ये डिफेंडर यहाँ से, और एक ऑलराउंडर लिया हूँ इनका, और नितिन तोमर, ये आप ये सारे खिलाड़ी खेलेंगे, ये फिक्स है। और बाद में भी कोई अगर चेंजेज आती हैं तो इसके लिए आपको हमारे कमेंट में अपना नंबर खुद नंबर आपको देना होगा और कमेंट करके पूछ लेना होगा कि सर क्या ये खिलाड़ी खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। मैं आपको कमेंट में ही आपको बता दूंगा या आपको पर्सनली व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिए, मैं उस व्हाट्सअप पे मैसेज कर दूंगा। मैं क्योंकि हाल ही में एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाना चाहता हूँ और जिसमें सारे अगर नंबर मिल जाएँ तो मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, जो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और ये देखिए, मैं इस दूसरी जो टीम बनाया हूँ इसमें भी मैंने दोनों यही दोनों प्लेयर लिए हैं, दो ये लिए हैं और एक सुनील को लिए हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म डिफेंडर हैं, ये तीन डिफेंडर लेके मैं इसमें खेल रहा हूँ। इसमें मैंने इस टीम में मैंने देखिए मोनू को और कुलदीप को दो रखे हैं ऑलराउंडर, इसमें भी मैंने इसको नहीं लिया है सरदीप को, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा दिखा इसलिए मैं इनको नहीं लिए हैं। ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी बेस्ट हैं। आप फिर इसके बाद आप रीडर में देख सकते हैं कि फिर वही नितिन और इनके सिवा दोनों ही अच्छे रीडर हैं, इन काफ़ी दूर खेलेंगे, फिट हैं। नहीं तो आप इसमें भी देखिए मोरे हैं, दहिया हैं,
इसके बाद यहाँ कंडोला जो काफ़ी अगले साल जो युवा खिलाड़ी हैं काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी ये भी अच्छे खेलते हैं, सेफ रीडर है। और आप इनको देख लीजिए, ये हमने इसमें 3 डिफेंडर 2 ऑलराउंडर, 3 डिफेंडर लिए हैं, 2 ऑलराउंडर और 2 रीडर लेके इस मैच में खेल रहे हैं। प्लेइंग सेवन की टीम है। इसके बाद मैं कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इन्हीं में से एक टीम में मैंने इनको चुना था, दूसरी टीम में इनको, आप इन्हीं दोनों में से चुन लीजिए। या तो आप इनको, आप गिरीश चंद्र को मैं फिर कहूँगा कि आप इनको चुन सकते हैं, या सुनील को भी, काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं। बाकी मैंने आपको यही दोनों खिलाड़ी जो काफ़ी अच्छे हैं इन्हीं को आप चुनिए वाइस कैप्टन चैप्टन। सो और अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ डेली की डेली आपको प्राप्त होती रहे, मिलती रहे। और बे लाइक सॉरी कॉल आ गया। और आप ये देखिए, मैंने आपके लिए टीम बनाई है, और ये देखिए ये क्रीस हैं, रवि हैं, सुनील हैं, कुलदीप हैं, मोनू हैं, नितिन, काफ़ी अच्छे अच्छे रीडर हैं, सारे खेलेंगे और सारे खेलेंगे। और आप अगर कोई बाद में दूसरी अपडेट आती है तो मैं आपको कमेंट में करके बता दिया करूँगा। आप पर्सनली मुझे कमेंट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। टीम सेट करें, आप टीम सेट कर लीजिए, किस में है लगा लीजिए, बाद में जब कुछ समय बाकी रहता है तो उस समय आप टीम को एडिट कर लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा अपडेट देता हूँ। आप मुझसे पर्सनली कमेंट करके पूछ लीजिए, या मैं आप उसमें नंबर डाल दीजिए, मैं खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, मैं उसमें फिर जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। ठीक है, आप हमारी वीडियो को देखें, काफ़ी अच्छा लगा, आप देखते रहिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक भी कीजिए, क्योंकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।